नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। चुनावी माहौल के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता चिराग पासवान इन दिनों काफी चर्चा में हैं। रविवार को चिराग पासवान ने कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ ली। चुनावी माहौल में अब सोशल मीडिया पर भी चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें तेजी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, इस पर चिराग पासवान के फैंस की संख्या में शानदार तेजी देखने को मिली है। चिराग पासवान की अगर इंस्टा प्रोफाइल की बात की जाए तो इंस्टाग्राम के अनुसार इस वक्त फिलहाल अगर बात की जाए तो इस साल 26 मई 2024 को चिराग पासवान के 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हुए थे, वहीं 7 मई 2024 को इनके फॉलोअर्स की संख्या 2 मिलियन पहुंच गई। पासवान के फॉलोअर्स की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब हम बात दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट की कर लेते हैं। अब फिलहाल इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अब हर दिन उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर बढ़ रहे फॉलोअर्स की जानकारी चिराग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खुद दी, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर चिराग पासवान केवल 4 लोगों को ही फॉलो करते हैं। वो कौन कौन है? तो वो है अर्जुन भारती, नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान और अमित शाह। इंस्टाग्राम के साथ ही एक्स पर भी चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग्स काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात की जाए, जो पहले ट्विटर था, वहां पे चिराग पासवान के 934.7 के फॉलोअर्स हैं। पासवान एक्स पर 112 लोगों को फॉलो करते हैं। अब इसके अलावा फेसबुक का भी जिक्र कर लेते हैं। फेसबुक पर 788 के फॉलोअर्स हैं, मतलब 788,000 फॉलोअर्स हैं और 3 लोगों को वो फॉलो करते हैं। चिराग पासवान दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं और मोदी कैबिनेट 3.0 में वो मंत्री बनाए गए हैं और पहली दफा ऐसा हुआ है जब चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री बने हैं। चिराग के उम्दा प्रदर्शन के कारण पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने के लिए LJPR को 5 सीटें दी गई थी लोकसभा चुनाव में और चिराग ने 5 की 5 सीटें जीती है। ऐसे में मोदी सरकार का चिराग पासवान पर भरोसा जो है वो काफी बढ़ा है और शायद यही वजह रही कि चिराग अब नए रूप में केंद्रीय मंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं।